5. Question 7. Evaluate using identities. तो evaluate using identities करना है जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, बस वही करना है। देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसके दो क्वेश्चन करके दे रहा हूं, ठीक है। एक करके दे रहा हूं 102 का क्यूब। 102 के क्यूब को हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 100 प्लस 2 का क्यूब, और हो गया इसमें फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस b क्यूब इज a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b। जब ब्रैकेट में प्लस होगा और ब्रैकेट का क्यूब होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 102 को मैंने लिखा 100 प्लस 2। अब मैं जब वैल्यूज पुट करूंगा तो a विल बी रिप्लेस बाय 100, a बता होगा पहली संख्या 100, और b विल बी रिप्लेस बाय 2। बस इसमें वैल्यू डालेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमेशा आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो a क्यूब मतलब 100 का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b, a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर इनटू b मतलब 2, प्लस 3 a b का स्क्वायर, a इज 100, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। 100 का क्यूब, 100 को 1 का कोई भी पावर हो आंसर तो वही आता है। क्यूब है तो हमारे जीरो कितने होंगे, 2 और 2 4 तो 6 हो जाएंगे, तो 0 हो गया 6। 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 3 2 जा 6 कर दिया, 100 into 100 1 जा 1 0 हो जाएंगे 4। 1 2 3 4, और ये 3 200 इस 300 में एक स्टेप कर रहा हूँ आराम से, आपको जल्दी नहीं। 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8। अब अगले स्टेप में ये हुआ 10 लाख, उसके बाद 6 into 10,000 ये हो गया 60,000, 3 4 12, 7 2 0, और प्लस 8 बस ऐड करेंगे, हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ऐड कर दो, हमेशा याद रखो कि आखिरी डिजिट ना लास्ट डिजिट के नीचे बराबर लास्ट डिजिट हमारा आना चाहिए, ऐड कर दो। बाकी तो फिर यहाँ गलत होने लायक जनरली कुछ रहता नहीं। अगर हम लोग हाँ गलती से कहीं थोड़ा सा क्यूब क्यूब करने में गलती कर दे तो फिर क्वेश्चन गलत हो सकता है, या फिर 100 का क्यूब करना है और हमने गलती से 4 ही जीरो दे दिए, मान लो 10,000 लिख दिया, तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। अदरवाइज क्वेश्चन ये बहुत आसान है। फाइनल आंसर हमारा आ गया 10,61,208। ये नीचे का दिख रहा है क्या स्क्रीन पर, ठीक बताओ, कंफ्यूजन बताओ बेटा कुछ है तो। 998 का क्यूब तो बहुत आसान क्वेश्चन, 998 को क्या लिखेंगे, या तो ऐसे लिखो 990 प्लस 8, लेकिन ऐसे लिखने कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा होगा, अपने को a क्यूब मतलब 99 का क्यूब करना पड़ेगा, 990 का मतलब 99 का तो करना ही पड़ेगा ना, फिर तो जीरो ही लगाएंगे, तो 99 क्यूब तो इतना आसान तो नहीं, तो फिर ऐसे करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या करना चाहिए, इसको हमने लिखना चाहिए 1000 माइनस 2 का क्यूब, और फॉर्मूला लगाना चाहिए हमारा a माइनस b का, a माइनस b क्यूब इज a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। देखो a प्लस b क्यूब का और a माइनस b क्यूब का चारों टर्म्स सेम होती है, a प्लस b क्यूब में ये चारों टर्म्स प्लस है, a माइनस b क्यूब अगर क्वेश्चन में आता है तो अल्टरनेट साइन देना है, पहला वाला कुछ नहीं है प्लस है फिर माइनस होता है फिर प्लस है फिर माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस, बस ऐसे याद रखो साइन, तो साइन की गलती नहीं है। अब a मतलब 1000 है, b मतलब 2 है, वैल्यू पुट करता हूं, a क्यूब मतलब 1000 क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर इनटू b प्लस 3 a इनटू b स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब 1000 का क्यूब है, 1000 into 1000 into 1000, जीरो कितने हुए, 3 और 3 6 और 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस 3 2 6 इनटू, अब यहाँ स्क्वायर है तो जीरो कितने कितने हो गए, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6, 3 into 1000 is 3000 into 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का क्यूब 8। मैं यहां लिख देता हूं ये टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस 6 होगा 6, यहां पे जीरो कितने थे 6, 1 2 3 4 5 6
प्लस 3 4 12 मीन 0 - 8 सिंप्लीफाई करेंगे और फिर फाइनल आंसर आएगा। ये नंबर लिखा है माइनस 9 9 4 और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 0 इसके बाद में 12,000 - 8 कर देता हूँ प्लस 12,000 - 8 कितना आएगा आंसर हमारा 11,992 ऐड कर देते हैं इसमें ऐड करता हूँ ये आ गया 2 ये आ गया 9 ये आ गया 9 ये आ गया 1 ये आ गया 1 क्या बचा है 0 4 9 9 सो दिस इज द फाइनल आंसर 9 9 8 का क्यों। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करना है 2.5 क्वेश्चन 8 उसमें से मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है a³ + b³ + 12a²b + 6ab² अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो चार टर्म्स है फैक्टराइज करना है चार टर्म्स दिया है चार टर्म्स हमारे कौन से फॉर्मूले में आती है a+b³ अगर मैं करता हूँ तो यहाँ चार टर्म्स आती है a³ + 3a² b + 3ab² + b ये चार टर्म्स इस फॉर्मूले में आते अगर माइनस हो तब भी चार टर्म्स ही आती है सिर्फ साइन दो माइनस वाले रहते हैं तो अब ये फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है क्या ये कैसे पहचान है a³ और b³ दो टर्म क्यूब वाली होगी हमारी यहाँ पे है क्या दो टर्म क्यूब वाली ये देखो दो टर्म क्यूब वाली मैं काम करता हूँ उसकी सिर्फ जगह चेंज कर रहा हूँ पहले तो a³ और b³ हमारा एंड में होता है थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ a³ को मैं 2a³ लिख सकता हूँ 2a³ और b³ को मैंने लिख दिया b³ बी का क्यूब मतलब बी का होल क्यूब एक ही बार बीच वाली टर्म कौन सी है ये ए क्यूब हो गई है बी क्यूब हो गई देखो दो क्यूब मैंने लिखी बीच वाली टर्म क्या है प्लस 3a² b + 3ab² यहाँ वैल्यूज डालना है मुझे ये मैंने ए क्यूब लिखा है ये बी क्यूब लिखा है देखो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ a³ + 3a² b + 3ab² + b³ मतलब a प्लस बी का क्यूब तो ये a³ मैंने लिखा हुआ है ये b³ मैंने लिखा हुआ है बीच वाली टर्म्स मेरी ये आ रही है क्या चेक करना पड़ेगा सही में टर्म्स बनती है कि नहीं बनती है तो मैं यहाँ वैल्यू डाल रहा हूँ a² b मतलब किसका स्क्वायर 2a² × b b की जगह हमारे क्वेश्चन में भी b ही है प्लस 3ab² व्हाट इज दैट ये मतलब फर्स्ट टर्म इसका क्यूब है 2a और b² तो b की जगह क्वेश्चन में b ही है अब अगर इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये दो टर्म आती है क्या उनका स्क्वायर होगा 4 3 4 12 a² b देखो एक टर्म बन गई हमारी और इसको सॉल्व करते हैं तो 3 2 a b² ये टर्म बन गई तो इसका मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखूं तो फिर मैं बाद में लिख सकता हूं इसको a+b³ तो a+b³ मतलब फाइनल आंसर मेरा क्या आया 2a+b³ फाइनल आंसर देखो दो स्टेप में आंसर इतना आसान क्वेश्चन आखिरी में अगर ये 3 times हमको लिखना है तो लिख सकते हैं क्यूब का मतलब है 3 times बताओ कंफ्यूजन तो करो बेटा 5 का क्वेश्चन 8 का ही एक क्वेश्चन मैंने और लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ टर्म माइनस वाली दिख रही है चार टर्म्स है और कुछ टर्म माइनस वाली है मतलब हमारा ये फॉर्मूला लगेगा a - b³ a³ - 3a² b + 3ab² - b³ ये फॉर्मूला हमारा लग जाएगा दो टर्म्स क्यूब की रहेगी चार टर्म रहेगी चार टर्म है उसमें से दो टर्म क्यूब वाली है ये क्यूब वाली टर्म है ये क्यूब वाली टर्म थोड़ा पहले रीअरेंज कर देता हूँ इसको
इसको रीअरेंज कर रहा है, ए क्यूब पहले लिखना है मुझे, तो ये क्या लिखूंगा मैं, 4a का क्यूब, यहां लिख रहा हूं माइनस b क्यूब, तो इसको किसका क्यूब लिखूं, 3b का क्यूब। तो ये हुआ हमारा a क्यूब और ये हमारा b क्यूब, मतलब a की जगह हमारे क्वेश्चन में क्या है 4a और b की जगह हमारे क्वेश्चन में क्या है 3b। बस इसमें वैल्यू डाल के चेक करते हैं कि बाकी की दो टर्म ये बनती है कि नहीं बनती है, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 4a का स्क्वायर, b टू b, b क्या है 3b प्लस 3a, ये मतलब फर्स्ट टर्म 4a और b का स्क्वायर मतलब सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके चेक करो ये टर्म बनती है कि नहीं, चाहे तो रफली करके देख सकते हो, 3 3s are 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9s are 144, a स्क्वायर भी बराबर ये टर्म आ गई। इसको सॉल्व करेंगे 3 4s are 12 into 3 स्क्वायर 9, 12 9s are 108, a और b का स्क्वायर, तो ये टर्म आ गई। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला लग गया यहाँ पे, ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। सो फाइनल आंसर ही हमको लिखना है, अभी आंसर लिखना है, मेहर बताओ आंसर क्या लिखूँ अब, सर 4 ए माइनस 3 बी होल टू द पावर 3, हो गया आंसर हमारा। अगर इसको इनटू करके 3 टाइम्स लिखना है तो लिख सकते हो, क्वेश्चन 8 का थर्ड क्वेश्चन इस बार दिया हुआ है 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए और लास्ट वाला है प्लस 225 ए स्क्वायर। चार टर्म वाला क्वेश्चन जब आएगा फैक्टराइज, तो मैंने बताया या तो ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगने वाला है या तो ए माइनस बी होल क्यूब का लगने वाला है। तो यहाँ क्योंकि दो टर्म माइनस वाली है इसका मतलब ए माइनस बी क्यूब का लगने वाला है, a क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस, इसको एकदम शॉर्टकट में बता देता हूँ लेकिन वैसे करना नहीं, सिर्फ समझने के लिए बता, सी क्यूब वगैरह आया तो कर सकते। दो क्यूब वाली टर्म है, कौन सी है अपने क्वेश्चन में दो क्यूब वाली टर्म, एक ये है इसका क्यूब है 3 का, इसको लिखो 3 का, ये भी करने की जरूरत नहीं, जब एमसीक्यू आएगा तो ये भी नहीं करना है, ठीक डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बी क्यूब उसे एक बी क्यूब वाली टर्म होती है, कौन सी है ये, इसका क्यूब है 5a का है, ब्रैकेट नहीं देंगे तो मार्क नहीं मिल जाएगा, ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ऐसे मैं लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है कि सिर्फ a का ही क्यूब है और 125 को हमने जादू से 5 कर दिया तो मैजिक हो गया, तो ऐसे मार्क नहीं मिल जाएगा, तो मैजिक पर मार्क नहीं, ओके तो ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फाइनल आंसर आपका आ गया, देखो 3 माइनस 5 ए होल क्यूब, क्वेश्चन खत्म। तो जब एमसीक्यू आएगा तो इसी से समझ में आ जाएगा, देखो ये किसका क्यूब 3 का, ये किसका 5 ए का, साइड माइनस वाली है ना, है मतलब माइनस 3 माइनस 5 ए होल क्यूब हो गया, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट आएगा आंसर। लेकिन अभी अपने को स्टेप वाइज करना है, मैंने ये ए क्यूब लिखा है, देखो ए क्यूब लिखा है और ये बी क्यूब लिखा है, मतलब ये ए है मेरा, ए के जगह 3 है और बी के जगह है मेरा 5a। अब बस मुझे इसमें वैल्यूज डालना है और ये चेक करना है इतना आता है कि नहीं, जो आने ही वाला है क्योंकि फैक्टराइज वाला क्वेश्चन है, तो आने ही वाला है, चेक कर दो। माइनस 3 ए स्क्वायर बी, ये ए है इंटू बी, ये बी है 5, प्लस 3 ए बी स्क्वायर a, ये पहली टर्म a है, b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। बस चेक करो कि इसको इनटू करके बची हुई दो टर्म आती है कि नहीं, 5 3 15, 15 इनटू 3 का स्क्वायर 9, 15 9 135 a, आगे क्यों 3 3 9 इनटू 5 का स्क्वायर 25, 25 9 225 आ गया a का स्क्वायर। बन गया हमारा फॉर्मूला a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर माइनस b क्यूब, मतलब a माइनस b का होल क्यूब। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। बताओ बेटा कुछ भी कंफ्यूजन है पूछो, हाँ बिल्कुल बिंदास पूछो।
ओके एक स्क्रीनशॉट लो। चलो फिफ्थ क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला, वो भी देख लेते हैं कैसा करना है। तो कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ फ्रैक्शन में टर्म्स है, बस इतना ही फर्क है, बाकी क्या है। वैसे ही 2.5 क्वेश्चन 8 का फिफ्थ, 27 PQ माइनस 1/216 माइनस 9/2P² प्लस 1/4P। तो उसी टाइप से करना है, माइनस वाली दो टर्म्स दिख रही है, मतलब ए माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। अगर सारी प्लस होगी तो ए प्लस बी क्यूब का लगा लेंगे। सर एच जगी ब्रैकेट 3P ब्रैकेट टू द होल पावर 3। वेरी गुड, देखो समझ में आया क्या है, ये किसका क्यूब है बेटा वो देखना है, ये 3 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है, तो 3p का होल क्यूब। अब a क्यूब के जगह हमारा 3p का क्यूब है, मतलब a की वैल्यू हो गई हमारी 3p, ठीक है। अच्छा चलो ये बता दो क्यूब वाली टर्म कौन सी है, सेकंड थर्ड या फोर्थ? सेकंड, यहाँ तो क्यूब है ही नहीं ना, कहीं न p का क्यूब है यहाँ, न 4 किसी का क्यूब है, न 9 किसी का क्यूब, ये क्यूब है 6 का, थोड़े क्यूब क्यूब याद करके रख तो 20-25 तक कम से, तो ये 1/6 का क्यूब हो गया, 1 का तो कोई भी पावर वन ही आता है, तो इसको मैं 1/6 का क्यूब लिख सकता हूँ। तो अब ये बी क्यूब की जगह मेरा 1/6 आ गया, मतलब बी की वैल्यू मेरी 1/6 है और ए की वैल्यू मेरी 3p है। अब मैं सिर्फ यहाँ वैल्यूज पुट करने वाला हूँ, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ये स्टेप समझ में आएगी कि मैं कुछ कंफ्यूजन है, पूरा क्लियर 100% बस। अब सिर्फ अब सिर्फ इसमें वैल्यू डालना है बस, ए मतलब 3p और बी मतलब 1/6, बस इसमें वैल्यू पुट करो फिर फाइनल आंसर लिखेंगे। 3a² b, a स्क्वायर मतलब 3p का स्क्वायर इनटू b मतलब 1/6 प्लस 3ab का स्क्वायर, a मतलब 3b, b का स्क्वायर मतलब 1/6 का स्क्वायर। फाइनल आंसर मैंने बताया था आपको, एक ही स्टेप में आपको लिख सकते हो करके, ये आया 3p a माइनस b का क्यूब, ये 3p माइनस 1/6 होल क्यूब हो गया क्वेश्चन। 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। अब देखो सही में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करने की जरूरत नहीं, आने वाला है, मैं आपको एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ, इसका आंसर निकालता हूँ। देखो 3 इंटू 3p का स्क्वायर इंटू 1/6, इसको मैं 3 × 3 कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो कोई पावर नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। इसका आंसर आया मेरा 9p² × 1/2, मतलब आंसर आया 9p² / 2। देखो बराबरी वाली टर्म आ गई, और ये आखिरी की टर्म 3 × 3p × 1/6² 3p 9p कर दिया, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 9 × 1 = 9, 4 आंसर आया p × p/4। तो बराबर ये टर्म आ गई, 1p/4 मतलब p बाय 4 ही होता है ना, तो आ गई क्वेश्चन नंबर 9, 2.5 का ही क्वेश्चन 9, वेरीफाई वाले दो क्वेश्चन दिया है, मैं सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ करके आपको। तो ये आपको देख के ऐसा लग रहा है कि ये कोई फॉर्मूला वर्मूला है, एक ऐसा फॉर्मूला है हम लोगों ने यूज किया अभी, ए माइनस बी का होल क्यूब था अभी यूज किया, और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक अलग फॉर्मूला होता है। देखो ये फॉर्मूला अलग है, ये अलग, यहाँ पे ब्रैकेट का क्यूब है और यहाँ पे सेपरेट क्यूब और बीच में माइनस, तो दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट, दोनों में फर्क है। तो a माइनस b होल क्यूब का फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब, है ना, अभी के पहले के क्वेश्चन में यूज किया। ये a क्यूब माइनस b क्यूब ये अलग फॉर्मूला है, सेपरेट क्यूब बीच में माइनस, तो इसका फॉर्मूला आता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो यही टर्म्स है, देखो यही टर्म्स आती है ना, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखो टर्म्स वही है, सिर्फ देखो अगर यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो पहले प्लस होता है और बाद में यहाँ, तो सिर्फ साइन का फर्क है, ये दो नए फॉर्मूले हमारे लिए। अब हमको इसको वेरीफाई करना है, तो
क्या करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान और नाइन्थ स्टैंडर्ड में हमको क्या मिला है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि दो ब्रैकेट्स के बीच में तो मल्टीप्लीकेशन ही है, दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं हमारा आंसर इतना आता है कि नहीं आता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं, हमको वेरीफाई करना है। मैं लिखता हूँ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मेरी क्या है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, दो ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, कैसे करूंगा, फर्स्ट टर्म इंटू दिस सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये सेकंड टर्म फिर से इंटू सेकंड ब्रैकेट, सेकंड टर्म लिखते हो हम लोग जो साइन है वही साइन देते हैं, दिमाग को लगाना नहीं है अपने, जो साइन दिख रहा है वो साइन देना है, अब इंटू करना है अपने, तो इंटू करते एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर वाई माइनस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई प्लस सॉरी प्लस माइनस माइनस वाई सॉरी सॉरी एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब। सर जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के हर एक टर्म का साइन चेंज करेंगे, या माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर के हर एक टर्म का साइन चेंज कर देना है, तो बस अभी सिंप्लीफाई करते हैं, अगर लाइक टर्म्स कुछ है तो ये एक्स स्क्वायर वाई है, ये भी तो एक्स स्क्वायर वाई ही, सिर्फ वाई पहले लिखा एक्स स्क्वायर बाद में लिखा, इतना ही फर्क टर्म्स है। अब डिफरेंस आई है तो वन एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस वन एक्स वाई स्क्वायर माइनस वन एक्स वाई स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा फिर हमारा आंसर, हमारा आंसर आया, हम लोगों ने आर एच इसको सॉल्व किया मल्टीप्लाई किया, आंसर आया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एल एच इस भी तो हमारा वही है, हो गया फाइनल आंसर। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। बताओ कंफ्यूजन बताओ। क्वेश्चन 10 का पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज में 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। तो देखो सेपरेटली क्यूब है और बीच में प्लस है, ये किसका क्यूब है, 3y का क्यूब है, ये किसका क्यूब है, 5z का क्यूब है, ये समझ में आया क्या मेरे आपको, ओके okay. अभी देखो अलग अलग क्यूब है और बीच में प्लस है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर a प्लस b होल क्यूब है मतलब अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता 3y प्लस 5z का क्यूब तो फिर हमारा ये फॉर्मूला लगता a प्लस b क्यूब का, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, तब ये लगाते फॉर्मूला, क्वेश्चन कैसे होता है अगर ब्रैकेट का होल क्यूब होता तो, हमारे क्वेश्चन में ब्रैकेट का होल क्यूब नहीं है, सेपरेट क्यूब के बीच में एडिशन है तो फॉर्मूला ही अलग है, तो फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए, तो ए क्यूब की जगह हमारे क्वेश्चन में 3y का क्यूब है, मतलब ए के जगह क्या है 3y है, बी क्यूब के जगह हमारे क्वेश्चन में 5z का क्यूब है, मतलब बी के जगह क्या है 5z है, तो बस इसमें वैल्यू पुट करो और फाइनल आंसर लिखो, a प्लस बी ए के जगह क्या आने वाला है 3y प्लस बी मतलब 5z, a स्क्वायर मतलब 3y स्क्वायर, अगर ऐसे लिखेंगे तो गए मार, ब्रैकेट देना जरूरी है, 3y स्क्वायर माइनस a इंटू बी मतलब माइनस 3y इंटू 5z प्लस बी स्क्वायर मतलब 5z का स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं, 3y प्लस 5z 3 का स्क्वायर 9 y का स्क्वायर y स्क्वायर 5 3 का 15 yz प्लस 5 का स्क्वायर 25z का स्क्वायर z स्क्वायर, फाइनल आंसर है, अगर दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा, बताओ कंफ्यूजन बताओ। 2.5 क्वेश्चन 10 का ही सेकंड क्वेश्चन, फिर से दो क्यूब और बीच में माइनस, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का मुझे फॉर्मूला लगाना है, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर,
देखो ये फॉर्मूला अलग है, ये कब लगता है जब सेक्रेट क्यूब और बीच में माइनस है, कंफ्यूज नहीं होना है। ए माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला कब लगेगा, जब क्वेश्चन इस टाइप का होगा, 3y माइनस z का क्यूब, सेपरेट क्यूब नहीं है, ब्रैकेट का क्यूब, तब इसको ये फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी क्यूब का, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। ये सेपरेट क्यूब अगर दिया है तो फिर ये फॉर्मूला लगा है। अब पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि किन का क्यूब है हमारे क्वेश्चन में, यह 4m का होल क्यूब और यह 7m का होल क्यूब। तो a क्यूब की जगह हमारे क्वेश्चन में 4m का क्यूब है, मतलब a की वैल्यू है 4m, और b क्यूब की जगह हमारे क्वेश्चन में 7m का क्यूब है, मतलब b की वैल्यू है 7n। सिर्फ इसमें वैल्यू डालना है, दो स्टेप में फाइनल आंसर लिखना है। a माइनस बी, a माइनस बी की जगह मैं क्या लिखूंगा, a मतलब हुआ 4m माइनस बी मतलब हुआ 7, ए स्क्वायर 4m का स्क्वायर प्लस a इंटू बी 4m इंटू 7m प्लस बी स्क्वायर मतलब 7m का स्क्वायर। फाइनल स्टेप आंसर आ रहा है 4m माइनस 7m, 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर m स्क्वायर, 7 4 जा 28, m इंटू 8 इज mn प्लस 7 का स्क्वायर 49, n का स्क्वायर n स्क्वायर। बताओ कंफ्यूजन बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 करने के पहले मैं एक बार 4 का रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों को, फिर 5 बताता हूँ। क्वेश्चन 5 का पहला क्या है क्वेश्चन, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy, उसके बाद में माइनस 24yz और माइनस 16xz। ये करने के पहले मैं क्वेश्चन 4 का एक बार आप लोगों को करके बताता हूँ, सेकंड करके दे 2x माइनस y प्लस z का स्क्वायर। अगर याद होगा तो थोड़ा सा रिकॉल करो, देखो इसमें एक फॉर्मूला लगता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये मतलब पहली टर्म 2x, बी मतलब दूसरी टर्म माइनस वाई, ये माइनस वाई, और सी मतलब तीसरी टर्म जेड। इसमें वैल्यूज पुट करना है, बताओ भाई वैल्यूज पुट करो। 2x हाँ माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में रहेगा इक्वल टू 2x, सॉरी ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2² प्लस 2 ब्रैकेट में फिर से 2x 2x फिर ब्रैकेट में माइनस वाई प्लस 2 और ब्रैकेट में माइनस वाई फिर से z ब्रैकेट में प्लस 2 ब्रैकेट में z, ठीक है, और 2 के बाद जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें z और उसके बाद 2x, ठीक। तो कैसे भी लिखो, पहले c लिखो बाद में a लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ac लिखो ca लिखो, एक ही बात है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, वेरी गुड। बराबर बताया आपने, 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x² प्लस y का स्क्वायर y² मैंने बताया पहली तीन टर्म कभी निगेटिव नहीं रहने वाली क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, प्लस z² प्लस इनटू माइनस इन माइनस 4xy प्लस इनटू माइनस इन माइनस 2yz प्लस 4xz। देखो ये हमारा आंसर है, कितनी टर्म्स है इस आंसर में, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्म वाला अगर क्वेश्चन है तो समझ लो कि हमारा फॉर्मूला कौन से लगने वाला है, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगने वाला है 6 टर्म क्वेश्चन में है ना। हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 8 जहां पे 4 टर्म्स थी, मैं जानबूझ के बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे फैक्टर इस वाले क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है ये हमको समझ में आना चाहिए। जहां पे 4 टर्म्स है फैक्टराइज बोला है वहां पे हमारा फॉर्मूला या तो a प्लस b क्यूब का लग रहा है या तो a माइनस b क्यूब का लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। और अभी हम लोग जो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे 6 टर्म्स है
तो यहां पे ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगने वाला। अब देखो यहां पे हमारी दो टर्म्स निगेटिव आई है, देखो दो टर्म्स हमारी निगेटिव आई है ना। अब इस क्वेश्चन में भी हमारी दो टर्म्स निगेटिव है, तो हम लोग चलो आगे बता दो निगेटिव का क्या करेंगे, अगर कुछ कंफ्यूजन आप लोग को होता है तो देखिए। अब ये मेरी छह टर्म दिया हुआ है, मान लो कि अपना ऐसा दिया हुआ है और बोला कि बताओ फैक्टराइज करो, तो हमको तो ये आंसर अभी क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा ना, यहां से हमको यहां जाना पड़ेगा, ये दे दिया है बोला फैक्टराइज, तो मैंने ये कहां से निकाला, यहाँ का ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, टू एक्स का स्क्वायर। तीन टर्म्स देखो यहाँ पे स्क्वायर वाली होती है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो कोई तीन टर्म स्क्वायर वाली है क्या हमारे क्वेश्चन में, आपको दिख जाएगा तीन टर्म स्क्वायर वाली। अब मैं इसको लिखता हूँ टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस थ्री वाई का होल स्क्वायर प्लस फोर जेड का होल स्क्वायर, कुछ करेक्शन होगा देखते हैं बाद में। अभी मैंने लिखा है किसका स्क्वायर है 2x का, ये किसका है 3y का, ये किसका है 4z का, तो ये हुआ मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, आगे होता है प्लस 2ab प्लस 2 into a into b, तो दैट इज 2x into 3y प्लस 2 into b into c मतलब 3y into 4z प्लस 2 into a into c मतलब 2x into 4z। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ मेरी वैल्यूज तो मिल जाएंगी, देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, xy मिल गई, 12 xy मिल गया, 4 3 जा 12, 2 जा 24, yz मिल गया, 4 2 जा 8, 2 जा 16, xz मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम आया है कि सारे ही पॉजिटिव है, जबकि हमारे क्वेश्चन में दो टर्म तो निगेटिव वाली है, तो फिर क्या करेंगे अब। ये क्वेश्चन में देखो दो टर्म जब निगेटिव थी तो दोनों जगह कॉमन कौन सा वाला अल्फाबेट था, y था, तो y वाला टर्म हमारा निगेटिव होगा। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो हमारी निगेटिव कौन सी दो टर्म्स है, ये है, उसमें से कॉमन अल्फाबेट कौन सा है z, तो z वाला टर्म हमारा निगेटिव वाला लेना पड़ेगा हमको, z वाला कौन सा है ये है, तो ये लेना पड़ेगा निगेटिव। मैं यहाँ पे जब स्क्वायर करूंगा तो वो तो पॉजिटिव आने वाला, तो जहां जहां 4z हमने लिखा है वहां वहां माइनस 4z लिखना है। अब देखो चेक करो, ये आएगा प्लस इनटू माइनस माइनस, 4 3 जा 12 2 जा 24 yz आ गया बराबर माइनस, 4 2 जा 8 2 जा 16 xz प्लस इनटू माइनस माइनस xz आ गया। तो इतना आसान क्वेश्चन, आंसर लिखना है फाइनल, फाइनल आंसर क्या है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो दिस इज a प्लस दिस इज b प्लस दिस इज c होल स्क्वायर। देखो ये माइनस आया है, ध्यान देना तो क्वेश्चन गलत होगा, 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर, इसको अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा ये आंसर मिलेगा। बताओ क्वेश्चन कंफ्यूजन पूछो कुछ, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है, छह टर्म्स है देखो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब हमारा यही फॉर्मूला लगने वाला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac मतलब आंसर a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, तो यही फॉर्मूला लगने वाला है। अब तीन टर्म स्क्वायर वाली होती है, ये स्क्वायर है ये स्क्वायर है ये स्क्वायर, लेकिन किसका स्क्वायर है, 2 किसका स्क्वायर है, अगर 4 होता तो मुझे आसान होता, मैं इसको 2x का स्क्वायर लिख देता, लेकिन यहाँ तो 2 दे दिया है ना, तो फिर अब क्या करें, 2 किसका स्क्वायर है, तो मैं रूट 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर मतलब रूट 2 इंटू रूट 2, जो संख्या रूट में डबल आएगी वो तो बाहर निकल जाएगी ना, तो रूट 2 का स्क्वायर इज 2, तो इसका मतलब यहाँ पे जो 2x स्क्वायर है इसको मैं लिखूंगा रूट 2x का होल स्क्वायर, 8z के स्क्वायर को, तो फिर मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ रूट 8z का स्क्वायर, क्योंकि रूट 8 इंटू रूट 8 मतलब ये 8 होने वाला है बराबर ना, तो इसको मतलब रूट 8 का भी स्क्वायर लिख सकता हूँ, लेकिन रूट 8z का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, लेकिन रूट 8 की कुछ वैल्यू निकलती है क्या, मैंने आप लोगों को बताया जब भी कोई संख्या रूट में लिखो तो चेक करो फैक्टर्स आते हैं क्या, डबल आ रही है संख्या तो बाहर निकालो,
तो आठ के क्या फैक्टर आते हैं, टू टू जा फोर टू जा एट, टू तो डबल आ गया है, तो फिर तो बाहर निकलेगा, ये बेचारा अकेला रह गया अंदर, टू रूट टू जेड का स्क्वायर, मतलब एट के जगह हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, टू रूट टू जेड का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। देखो समझ लो अच्छे से, टू रूट टू जेड का स्क्वायर का मतलब टू रूट टू जेड इंटू टू रूट टू जेड, मल्टीप्लीकेशन टू टू जा फोर, रूट टू इंटू रूट टू, टू डबल आया रूट में बाहर निकल गया, टू आ गया आंसर, और जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर, मतलब आंसर कितना आ रहा है देखो, एट जेड स्क्वायर, इसलिए हम लोग एट जेड स्क्वायर में किसका स्क्वायर लिख रहे हैं, टू टू जेड का रूट स्क्वायर, तो इसको मैं लिखूंगा टू रूट टू जेड का रूट स्क्वायर, और ये तो ठीक है आसानी है, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर, सो गया ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब एकदम माइनस देनी है क्या हमको, और यहाँ पे भी देनी है क्योंकि दो टर्म यहाँ पे भी निगेटिव है, जो दो टर्म निगेटिव है उसमें कॉमन अल्फाबेट कौन सा है, एक्स, तो एक्स वाली टर्म को ना निगेटिव ले लेता हूँ, ये वाली टर्म मेरी निगेटिव रहेगी, बस हो गया वैल्यू पुट करता हूँ बाकी की, ये है हमारा ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो प्लस टू ए बी प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस टू इंटू बी इंटू सी प्लस टू इंटू ए इंटू सी, फाइनल आंसर ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये हुआ हमारा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, खत्म क्वेश्चन, सिर्फ चेक करो चाहे तो कि हमने जो किया है वो बराबर किया है कि नहीं, देखो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आता है, इससे क्या आता है, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आता है, चेक कर लेते हैं एक बार, टू इंटू रूट टू आंसर क्या आएगा, टू इंटू आएगा, प्लस इंटू माइनस इज माइनस टू रूट टू एक्स वाई बराबर एट आ दिए, टू इंटू टू इंटू रूट टू फोर रूट टू वाई जेड, फोर रूट टू वाई जेड, इसका मल्टीप्लीकेशन टू टू प्लस इंटू माइनस, पहले तो माइनस हो जाएगा, टू टू सा ये होगा फोर, रूट टू इंटू रूट टू हो जाएगा टू, फोर टू सा एट एक्स जेड, ये देखो हमारी तीसरी टर्म क्या है, एट एक्स जेड, तो हमारा फाइनल आंसर फिर आया, दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ एक होमवर्क में से आपने ये क्वेश्चन पूछा था कि ये क्वेश्चन सिक्स में से एक है कि टू बाय रूट थ्री इज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल है कि नहीं पहचानो, तो ऐसा क्वेश्चन किताब में है, हम लोगों ने ऑलरेडी किया है, क्या करते हैं हम लोग सिर्फ ये वैल्यू पुट करते हैं एक्स की जगह, तो हम लोग निकालने वाले हैं पी ऑफ टू बाय रूट थ्री, मतलब एक्स की जगह वैल्यू डालो, थ्री इंटू टू अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस टू, थ्री वैसे ही टू का स्क्वायर फोर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री माइनस टू, थ्री थ्री कर गया, फोर माइनस टू इज टू, तो जीरो नहीं आया ना, तो जीरो नहीं आया, तो फिर हम लोग लिखते थे एज P of 2 by root 3 is not equal to 0, therefore हमने जो वैल्यू डाल दी इज नॉट द सॉल्यूशन, या फिर इसी को रूट वर्ड भी यूज करते हैं, या फिर इसी को लिखते हैं 0, ये हमारे पॉलीनोमियल का आंसर सॉल्यूशन रूट 0 नहीं है, याद आया ऐसे क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज में है क्वेश्चन, ठीक है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, तो और एक जो होमवर्क में आप लोगों को डिफिकल्टी आई है वो क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने दिया था वो है माइनस वन बाय टू इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, माइनस वन बाय टू दिया हुआ था इक्वेशन का, एट एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, इसका रूट है ऐसे दिया हुआ था, हम लोग सबसे पहले बोलेंगे लेट दिस पॉलीनोमियल बी पी ऑफ एक्स, और हमको दिया हुआ है माइनस वन बाय टू इज द रूट, ये रूट है मतलब रूट को जीरो भी बोलते हैं, ये जीरो है ऐसे दिया हुआ है, अभी इसके पहले का क्वेश्चन हम लोगों ने किया कि जीरो है क्या बताओ, कैसे किया हम लोगों ने जो वैल्यू दी थी वो एक्स के जगह पुट किया, अगर सॉल्यूशन हमारी वैल्यू अगर जीरो आई तो हमने बोला इट इज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, अब अगर वो क्वेश्चन में हम लोगों को खुद बोल रहे कि ये जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक्स की जगह ये वैल्यू डालता हूं तो मेरा फाइनल आंसर तो जीरो ही आने वाला है ना, उन्होंने वेरीफाई कर लिया है, वो लोग खुद बता रहे हैं कि माइनस वन बाय टू इज द जीरो,
तो सिर्फ वैल्यू पुट करो और हमको दिया हुआ है कि p ऑफ -1/2 इज इक्वल टू 0 आने वाला है। क्यों आने वाला है? बिकॉज -1/2 इज द 0। मैं लिख देता हूँ एड -1/2 इज द 0, दिस इज गिवन। तो बस वैल्यू पुट करो, देयरफॉर p ऑफ -1/2 इज इक्वल टू 8 इनटू -1/2 क्यूब माइनस ए इंटू -1/2 स्क्वायर माइनस और -1/2 प्लस 2। माइनस का क्यूब मैंने बताया, अगर निगेटिव को पावर ऑड है तो आंसर निगेटिव ही आएगा, वन का कुछ भी पावर हो आंसर वही रहता है, 2 का क्यूब 8। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस नहीं करना है, गलती से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ए माइनस को पावर इवन है तो आंसर प्लस, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 आंसर प्लस। ये हुआ माइनस इनटू माइनस प्लस 1/2 प्लस ये 2। अब इसको मैं सिंपलीफाई करता हूँ, इसके बीच में तो मल्टीप्लिकेशन है ना, तो इसको इनटू कर सकता हूँ, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ 8 और नीचे का ऊपर का 8 कर गया, ये वैल्यू आने वाली है 0। मैंने यहाँ लिख दिया 0, माइनस 1 ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे का नीचे, a अपॉन 4 माइनस a अपॉन 4, ये माइनस 1 माइनस a अपॉन 4 प्लस 1/2 प्लस 2। इसको सॉल्व करता हूँ नीचे 1 लेके, प्लस 1/2 प्लस 2 अगले स्टेप में करता हूँ, इसके नीचे 2 लेने से अच्छा पहले इसको सॉल्व कर देता हूँ इसके साथ। क्या आएगा? 1 माइनस a बाय 4 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। अलग साइन है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, बड़े नंबर का साइन आ गया। ये a बाय 4 इधर लेके चले जाता हूँ, प्लस हो गया, यहाँ क्या बचा? 1 प्लस 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 2 1 जा 2, आंसर क्या आया? 3/2 a बाय 4, डिवाइड का 4 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होगा, जो डिवाइड था वो यहाँ मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 2 जा, आंसर आया a इज इक्वल टू 6। समझ में आया क्या? बताओ, कंफ्यूजन कुछ है? क्लियर करो।